नमस्कार दोस्तों, आज मेरे दूसरी थियोडोलाइट पार्ट टू में आपका स्वागत है। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि थियोडोलाइट ट्रांजिस्टर या थियोडोलाइट जो हमारे पास है उसको हम सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग कैसे करते हैं। सो सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो में आपने इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना तो होगा कि थियोडोलाइट के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो हमने अभी एक ट्रांजिस्टर थियोडोलाइट को ट्राइपॉड पे सेट करके देखा हुआ है। अब जैसे कि आप, हमने पहले से ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ पे मार्क करके रखा है, ठीक है। ये हमारा पैग है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लम बॉब है वो पूरा सेंटर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अब इसको हमें इसके ऊपर एग्जैक्टली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो हमें यहाँ पे, मतलब प्लम बॉब से ऐसे कैसे सेंटरिंग करते हैं। सो विद दी हेल्प ऑफ दिस ट्राइपॉड लेग मैं उसको सेंटरिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो उसके जो डिफेंड है उसको स्लोली स्लोली यहाँ पे एडजस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो ये तीन लेग को मीटिंग लग के कारण ये पूरा हिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा प्लेग है, ये जो प्लम बॉब है वो पैग पे पूरा सेंट्रली हो गया, ठीक है। सो अब ये हमारा पूरा जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसे हम बोल सकते हैं कि ये अब सेंटर में है। हमने फील्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा, हमारी वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब इसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पूरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो सेंटर हो गया। अब सेंटरिंग के बाद दूसरा क्या आता है कि हमें इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना होता है। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे देख रहे हो ये बबल ट्यूब है, ठीक है। ये बबल ट्यूब को हमें सेंटर में लाने का है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे शायद आप, दिखाते हैं हम क्लियरली, ठीक है। सो इसे हम कैसे सेंटर में करेंगे, लेवल कैसे करेंगे। सो यहाँ पे तीन फुट स्क्रू दिए गए हुए हैं, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था दो और ये एक, ठीक है, ये तीन। सो हमें क्या करना है कि एक बार हमें ये बबल ट्यूब को यहाँ पे पैरेलल रखना है, ठीक है। सो ये दो फुट स्क्रू के पैरेलल हो जाएगी ये बबल ट्यूब और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर, ठीक है, करना है। पर इससे पहले क्या करते हैं कि जब भी हम देखते हैं तो पहले से क्या होता है कि प्रीवियसली वर्क डन होता है, तो कभी कभी जब उसको वापस हम लैब में जब इंस्ट्रूमेंट रखने जाते हैं तो इसको क्या सेंटर में करके नहीं रखा होता है। आपको क्या करना है, लेवल करने से पहले ये जो तीनों फुट स्क्रू है उसको सेंटर में लाना है और आफ्टर दैट आपको एक साथ इनवर्ड मूवमेंट करनी है या एक साथ आउटवर्ड मूवमेंट करनी है, ठीक है। ऐसे या तो आउटवर्ड लेके जाना है या तो इनवर्ड। अब देखो, मैंने जैसे इसको थोड़ा सा आउटवर्ड इनवर्ड ऐसे करते करते किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बबल ट्यूब है, ठीक है, वो सेंटर में आ गया है। फिर पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या करना है हमें, उसको जो ये परपेंडिक, फिर ये दूसरी साइड, मतलब अगेन दोबारा इसके मतलब दो फुट स्क्रू पे लाना है। फिर अगेन वी हैव टू रिपीट दैट प्रोसीजर सेम कि दोनों आउटवर्ड इनवर्ड। पर यहाँ पे देखो, मैंने पहले से ही मतलब एक ही बार करने पर ये लेवल में आ गया है। सो यहाँ पे मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन मुझे यहाँ पे फिर से ये दो फुट स्क्रू के पैरेलल मुझे अपना ये बबल ट्यूब लाना है। हाँ, सो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा मुझे लग रहा है, सो आई हैव टू डू यहाँ पे। अगर मैं ये पूरा जो ये वाला है जो रिमेनिंग वन, उससे भी मैं कर सकती हूँ। सो देखो, अभी मैं फिर से ये जो है या तो आउटवर्ड डायरेक्शंस में या तो फिर इनवर्ड डायरेक्शन ऐसे करके, ठीक है। सो ये बबल ट्यूब जो है वो मेरा सेंटर में आ गया। सो ये जो प्रोसीजर है फुट स्क्रू से, विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू हम क्या करते हैं, बबल ट्यूब को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल एंगल पर्पज, मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट हम लेवल में लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री फुट स्क्रू। तो ये दूसरा जो स्टेप है वो हमारा क्या है, लेवलिंग ऑफ द ट्रांजिस्ट
थियोडोलाइट। ठीक है, हमने पहले क्या किया, सेंटर किया विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी सेंटर में ही है पोजीशन। हाँ, और लेवल करते वक्त एक ध्यान हमको क्या रखना है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लेवल करते वक्त इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही करीब आ जाते हैं, हम टेक केयर नहीं कर पाते हैं ट्राईपोड की, तो क्या होता है लेवल करते करते हमारा सेंटरिंग भी कहीं चला जाता है। सो वी हैव टू कीप अवर लेग्स आउटसाइड ऑफ द ट्राईपोड। ठीक है, ये ट्राईपोड को टच किए बिना हमें क्या करना है, लेवलिंग करना है। आफ्टर लेवलिंग जो तीसरा आता है वो क्या है कि फोकसिंग है। ठीक है, हाउ वी डू फोकसिंग, लेट्स डू, कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब फोकसिंग में क्या है कि ये जो हमारा टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ पे ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्ट पीस है। अब दोनों में दिया गया हुआ, इधर ये जो है आईपीस का है फोकसिंग, और ये जो साथ में है हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट का है। मैं क्या करूँगी, इससे जो भी मैं बाइसेक्ट करने से पहले रफली मेरे पास कोई भी एक स्टेशन मार्क होगा, या सामने मेरे एक बिल्डिंग है, आई एम ट्राइंग टू बाइसेक्ट दैट बिल्डिंग क्लियरली। विद द हेल्प ऑफ दिस टू फोकसिंग, और यू कैन से एडजस्टमेंट स्क्रू, आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये जो पूरा है, मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है कि थियोडोलाइट का जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है, सबसे पहले सेंटरिंग करना, आफ्टर दैट लेवलिंग करना, और लेवलिंग हो जाने के बाद वी हैव टू एडजस्ट फोकसिंग ऑफ द टेलीस्कोप। मुझे मतलब उम्मीद है कि आपको ये मेरा दूसरा थियोडोलाइट का जो पार्ट टू है वो बहुत ही पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।